भैया कहीं या कोई आपको देखो दे दिखी कबले पाँच साल है भाई चले गए कबले प्रधान के पास गए तो प्रधान ने बुलाया हमको बोल नहीं दिया चवार का वो काम नहीं। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत गरीबों को तक आवास मुफ्त पहुंचाने का सरकार काम कर रही है, शौचालय मुफ्त पहुंचाने का सरकार कार्य कर रही है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर हमें महिलाओं का आक्रोश साफ देखने को मिल सकता है, आवास नहीं मिला है और जो प्रधान पाँच साल वादे करते हैं उन तक गरीबों तक उन तक लाभ पहुँचाए जाएंगे, जब मौजूदा हालत हम देखते हैं तो आक्रोश देखने को मिलता है। आज पाँच साल बीतने को आप लोग तरह तरह कितनी समस्याएँ बता रही हैं, अब क्या अब प्रधान आपके दर रहते हैं हमारी जैसे प्रधान ने जैसे ना वोट मांगा नहीं हमने प्रधान ने कह दिया हमने कि तुमने मेरा कुछ बनवाओ नहीं तो वोट भैया कहीं या कोई आपको देखो दे दिखी कबले पाँच साल है भाई चले गए कबले दिखी पाँच साल में नहीं देख पाओ बका दिखी कोई समस्या सर समस्या जा है कि हमारा मकान चल गया देख लें जाए कहता है फूटो टूटो करो कहता है अच्छा, गली ना है अच्छा, समस्या तो आवास आपने प्रधान जी से बोला नहीं कि आवास बनना चाहिए आवास हमारे का तुम तब सात गांव की जोता हो तुम्हें मिली ही नहीं हम लोग जिम्मेदार हैं इसे लेता है कि तुम्हें मिली ही नहीं नहीं मिला आप क्या नहीं मिला मकान साहब पहले मकान की फोटो काफी देखा अच्छा इससे बोले मिली ही नहीं कोई नहीं मिली मकान की फोटो इस बार दिखाए थे कह के टूटे फूटे पड़े कह के नहीं है अभी तक हम महिलाओं की आप तक बात पहुंचा रहे थे अब हम थोड़ा लेकिन हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि यहां पर इनकी क्या राय है प्रधानी को लेकर चुनाव को लेकर और बीते पाँच वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया अब क्या है इनके अब क्या क्या काम हुआ आपके गांव में हमारे काम में विकास कुछ नहीं हुआ अपनी बिरादरी में जो प्रधान ने किया अच्छा हम प्रधान के पास गए तो प्रधान ने हमसे बोला है चमार ने हमको वोट नहीं दिया चमार का वो कार्य नहीं करे तो क्या कोई जाति पात के हिसाब से भी भेदभाव किया जा रहा है क्या हम बैठे थे वहाँ अच्छा कहा अच्छा हाँ बताइए कार्यालय में कार्यालय बैठे थे अच्छा लोग बैठे थे अच्छा आगे लोग हरिदारी बैठी थी तो उसने कहा चमार ने वोट नहीं दिया हम लोग तो कोई कार्य नहीं करे किसी चमार का कुछ नहीं करेगा अच्छा हमारा आलन में सब बच्चा काट दिए गए अकेले सब ग्रुप हम रह गए पाँच साल में हमको अकेले पाँच किलो गल्ला मिलता है पाँच किलो में चार किलो मिलता है अच्छा अब हमारे राशन में बच्चा चढ़ाया गया है 500 रुपये हमसे लिया है